हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नसीम और आप देख रहे हैं नेस्टेक। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 4440 की आईसी। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, इसकी पिंस के बारे में, इसको इनपुट कैसे देनी है और इसकी पावर सप्लाई कहाँ देनी है और इसका आउटपुट स्पीकर्स की कहाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आज मैं आपको 4440 की आईसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इसकी पिंस के बारे में समझा दूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से पिंस होती है इसमें। स्टार्टिंग में आपको बता दूँ, जैसे हम यहाँ से पकड़ते हैं तो ये देखिए कहीं तो यहाँ पे छोटा सा निशान बना होता है, पर इसमें निशान नहीं बना हुआ। इसमें यहाँ पे ये बना हुआ है, इसमें के लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4440 का इसकी कोडिंग है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें 14 पिन होती है। मैं आपको ईच एंड एवरी पिन के बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए, तो पहली देखो, सबसे पहले बात बता दूं कि इसकी वैसे तो इसमें अगर डायरेक्ट इनपुट दे के हम इसको चलाते हैं तो चल तो जाते हैं, लेकिन वो साउंड क्वालिटी नहीं आ पाती कि जो इसमें आनी चाहिए, क्योंकि इसमें और भी कॉम्पोनेंट लगते हैं। कैपेसिटर लगता है, PF लगता है, RF लगता है, पूरी सर्किट बनती है इसकी। जब तक इसकी पूरी सर्किट में ना लगाया जाए तो इसकी साउंड क्वालिटी वो नहीं आ पाती, क्योंकि मैंने और भी बहुत से वीडियोस देखे हैं जो सिंपल डायरेक्ट इसमें स्पीकर जोड़ देते हैं और करंट देके सप्लाई देके चालू कर देते हैं, बजा देते हैं, मतलब उसमें वो साउंड क्वालिटी नहीं आ पाती जो जब तक इसको पूरा कंप्लीट नहीं बनाया जाए। तो मेरे पास ये देखिए, ये इस तरह का बोर्ड है मेरे पास, सिंगल आईसी का है ये। तो ये मोनो ही है, क्योंकि एक 4440 की सिंगल आईसी मोनो आउटपुट होता है, स्टीरियो नहीं होता है। तो अगर आपको कोई कहे मैं स्टीरियो बजा के दिखा दूँ तो वो लोग उल्लू बनाते हैं, स्टीरियो नहीं होता है। इसमें सिंगल आईसी में आपको मोनो साउंड ही मिलता है। तो ये मोनो बोर्ड है। तो इसमें मैं आपको 4440 की आईसी लगा के इसमें पूरे कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और साउंड क्वालिटी के बारे में दिखाऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले पिंस की बात करें तो देखिए 14 पिंस होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पावर सप्लाई कहाँ से देंगे। पावर सप्लाई इसमें जाएगी हमारी यहाँ से 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम इसमें 11 नंबर की पिन और 14 नंबर की पिन देखिए, ध्यान से देखिए, 11 नंबर की पिन और 14 नंबर की पिन में हम इसको पावर सप्लाई देंगे। 11 की में पावर होगी, 11 नंबर पावर होगी हमारी प्लस और 14 नंबर में पावर होगी माइनस, मीन्स नेगेटिव। तो आप ये सोचेंगे कि हम 14 में नेगेटिव क्यों है और 11 में पॉजिटिव क्यों है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको इनपुट और आउटपुट बता दूं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें पावर 11 नंबर पिन में हमने पॉजिटिव क्यों दिया है और 14 नंबर पिन में नेगेटिव क्यों है। तो आइए मैं इनपुट के बारे में भी आपको पहले बता दूं कि इनपुट हम 4440 की आईसी की जो पहली नंबर की पिन है फर्स्ट और नंबर 2, इसमें हम अपनी इनपुट देते हैं। इसमें हमारी साउंड की इनपुट होगी दोनों में। तो अब बात आ गई, इनपुट तो दे दी, अब इनमें से कोई किस में नेगेटिव दे किस में पॉजिटिव दे, है ना। मैं आपको बताता हूँ, पहली नंबर की पिन में माइनस है और सेकंड नंबर की पिन में पॉजिटिव यानी प्लस है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेकंड नंबर की पिन में पॉजिटिव कैसे है और इसमें फर्स्ट में नेगेटिव कैसे है, पूरा बताऊंगा मैं आपको। एंड अब आ गई बात हमारी आउटपुट की। तो आउटपुट हमारे स्पीकर आउटपुट, मीन्स हमारे स्पीकर आउटपुट हमें कौन से नंबर की पिंस में कनेक्ट करने हैं। तो अगर हम पिंस देखें तो हमारी जाएगी हमारी 9 नंबर की पिन में हमारी आउटपुट है, थर्टीन नंबर की पिन में आउटपुट। तो आउटपुट की बात करें तो हमारी 9 नंबर की पिन में हमारी आउटपुट होगी नेगेटिव और 13 नंबर की पिन में आउटपुट होगी हमारी पॉजिटिव। तो ये ध्यान से देख लीजिए आप, फर्स्ट वन पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2 में हमारी इनपुट होएगी, 1 में नेगेटिव होएगी, सेकंड में पॉजिटिव होएगी। ओके, पिन नंबर 9 एंड पिन नंबर 13 में हमारी आउटपुट है जो स्पीकर्स में जाएगी, ये हमारी स्पीकर 9 नंबर की नेगेटिव हो गई, 13 नंबर की पॉजिटिव हो गई। और हमारी तीसरी है पावर की, तो पावर की हमारी 11 नंबर की पिन हमारी होगी पॉजिटिव पावर की, 14 नंबर की पिन होगी नेगेटिव पावर की। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है कैसे नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा बोर्ड है जो 12 वोल्ट में चलेगा, 12 वोल्ट
एसी में, क्योंकि इसमें डीसी, एसी से डीसी कन्वर्ट करने, इसमें डायोड और एक कैपेसिटर लगे हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप इसमें डीसी करंट देंगे तो डीसी करंट देने के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कनेक्शन आपको वायरिंग करनी होगी। देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका ये नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट में आपको ये रहा, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट मीन्स ये हमारे पूरे सर्किट का, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, पूरे सर्किट का ये हमारा ग्राउंड है, ये पूरा, ये देखिए यहाँ पे गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ से इस पिन में गया, ये पूरा हमारे सर्किट का ये हमारा ग्राउंड है। तो इसमें हमारे नेगेटिव दे देंगे सिंपल, और इसमें हमारा पॉजिटिव अगर आप डीसी करंट दे रहे हैं तो। और अगर आपको एसी करंट देना है तो एसी करंट में आपको ये देखिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, इसकी एक कनेक्शन इस टांग में करना होगा और आपको दूसरा कनेक्शन आपको इस कैपेसिटर के, इस कैपेसिटर के नेगेटिव की टांग पे इधर नेगेटिव के पिन में करनी होगी। तो एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी अगर आप एसी करंट दे रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें डीसी करंट दें, एसी ना दें। अगर डीसी करंट देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन आप एसी करंट भी देंगे तो एसी करंट में भी चल जाएगा, ये पावर सप्लाई का आपको पता चल गया है। और अब मैं इसमें बता दूँ कि इसमें आपको आईसी कैसे लगनी है, क्योंकि बहुत से बोर्ड होते हैं जिसमें आईसी जो है कि घूम के लगी होती है। इसमें तो मैं आपको बता दूँ, इसमें सीधी सीधी आईसी ऐसे लगेगी, किसी किसी में होता है कि ऐसे ऐसे घूम के लगी हुई होती है और उसे पलटी होती है। मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ, मेरे पास एक बोर्ड है, ये देखिए मेरे पास ये एक बोर्ड है, इसमें जो है आईसी ऐसे लग के ऐसे घूमी हुई है, ऐसे दो आईसी है, ये हमारा स्टीरियो में डबल आईसी में विद, इसमें ये हमारा इक्वलाइजर भी है, इसमें डबल आईसी विद इक्वलाइजर है ये तो इसमें दो चवाईस आईसी है, हीट सिंक लगेगी। और मेरे पास कुछ एक ऐसा बोर्ड भी है, ये भी डबल आईसी में है पर इसमें इक्वलाइजर नहीं है। बस फर्क इतना है कि इसमें इक्वलाइजर है, इसमें इक्वलाइजर नहीं है, ये डबल आईसी में है दोनों, ये सिंगल आईसी में, ये भी सिंगल आईसी है बट इसमें भी इक्वलाइजर नहीं है। और मैं आपको दिखा दूँ कुछ एक मेरे पास बोर्ड, एक ये चवाईस साइज का एक बोर्ड ये भी है, देखिए इसमें आईसी लगी हुई है, लेटी भी लगी हुई है, तो इसमें आईसी उल्टी लगी हुई है, तो इनमें तो उल्टी लग जाती है, डबल आईसी में उल्टी घुमा के लगाते हैं, लेकिन इसमें हमें उल्टा के नहीं लगाना है, इसमें सीधी लगनी है हमारी आईसी ऐसे। और इसमें यहाँ हम हीट सिंक लगाएंगे तो कुछ इस तरह से होती है हीट सिंक कस के लगा लेंगे। और हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें हम 7805 लगाने का भी इसमें दे रखा है, अगर आपको इसमें 5 वोल्ट करंट देना हो साउंड कार्ड के लिए, ये हमारे साउंड कार्ड को 5 वोल्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप साउंड कार्ड जोड़ना चाहते हैं तो उसमें 5 वोल्ट करंट चाहिए, तो 5 वोल्ट करंट कहाँ से ले, इसलिए इसमें 7805, ये देखिए 7805 का रेगुलेटर है, इसमें 7805 यहाँ पे हम इसमें यहाँ 7805 लगाएंगे। अगर आपको 7805 की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी जिसमें 7805 की टांगों के पिंस के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, आउटपुट के बारे में सब कुछ समझाया था, अगर आपको फिर भी आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर फिर भी मैं बेसिक आपको बता दूँ 7805 का। ये देखिए तो जो हमारी इसकी जो हमारी बीच की टांग होती है ये वाली, ये तो हमारी होगी कॉमन की यानी नेगेटिव की, जो हमारी ग्राउंड होती है, ये हमारी ग्राउंड होती है। फर्स्ट टांग जो होगी इसमें हम देंगे इनपुट हम इसका ये मिनिमम सपोर्ट करता है 7.2 से लेके 35 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, तो इसमें हम कितना भी इनपुट दें, फिलहाल हमारी सर्किट तो 12 वोल्ट पर चलने वाली है, तो हम इसमें इनपुट 12 वोल्ट देंगे हम इसमें। और जो इसकी आउटपुट होती है 12 वोल्ट प्लस, और इसकी जो आउटपुट होती है वो 5 वोल्ट ही रेगुलेट होती है, 5 वोल्ट यानी प्लस। तो ग्राउंड तो हमारी इससे मिली गई है हमारी, माइनस तो ये हमारी प्लस हो गई। सिंपल वायरिंग है, इसमें इनपुट देंगे, यहाँ पर ग्राउंड जोड़ेंगे और ये हमारी आउटपुट 5 वोल्ट की निकल जाएगी। अगर आपको ये समझ में आ गया ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है 7805 को लेके, आप मैंने इसकी फुल डिटेल में वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल्स में जाके या मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो अभी तो हम फिलहाल 44 आईसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी आईसी तो देखो ये लग गई ऐसे, कुछ इस तरह से लग गया, तो नंबर 1 से पिन स्टार्टिंग यहाँ है, नंबर 14 की यहाँ है, और अब बोर्ड घूम गया ऐसे, तो यानी नंबर 1 पिन यहाँ चले गई और नंबर 14 की पिन हमारी यहाँ चले गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 11 नंबर की पिन में एंड 14 नंबर के पिन में हमारी पावर सप्लाई होगी। तो अब मैं आपको दिखा दूँ क्लोज में जूम करके, ये देखिए 14 नंबर के पिन में मैंने आपको बताया था नेगेटिव होगी, तो अब देखिए आप खुद देखिए 14 नंबर पिन जो हमारी ये देखिए 7805 के बीच में गई नेगेटिव में,
और ये देखिए हमारी इधर गई है, ये हमारी गई इस कैपेसिटर की नेगेटिव में, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे नेगेटिव की वायरिंग होगी डी। और ये देखिए हमारी ये पूरा नेगेटिव है, मतलब हमारी इस सर्किट बोर्ड का पूरा ग्राउंड है ये हमारा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया था कि 14 नंबर की पिन में नेगेटिव लगेगी, कि अब आप ये सोचोगे कि 14 में नेगेटिव क्यों लगेगी और 11 में पॉजिटिव क्यों लगेगी, 11 में नेगेटिव क्यों नहीं लगेगी करके। तो अब आपकी डाउट क्लियर हो गया कि 14 नंबर की पिन में हमारी नेगेटिव लगेगी और रही हमारी 11 नंबर की पिन जो हमारी पॉजिटिव की है। तो ये देखिए 11 नंबर की पिन हमारी ये रही, दिख रहा है आपको, ये देखिए मैं जूम कर दूँ, ये देखिए ये हमारी गई पॉजिटिव में, ये देखिए ये हमारे कैपेसिटर का पॉजिटिव है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आया, हम यहाँ पे पॉजिटिव की करेंट देंगे, ये हमारी गई पॉजिटिव की। तो अब पावर सप्लाई तो आपको समझ में आ गई होगी। अब रही बात हमारी इनपुट की, कि हमारे साउंड इनपुट कैसे देनी है, और मैंने आपको बताया था इनपुट देखिए नंबर वन में हमारा नेगेटिव इनपुट है और नंबर टू में हमारा पॉजिटिव इनपुट है। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है। नंबर वन की पिन यहाँ चलेगी, जैसे मैंने आपको बताया 44 की ऐसी घूम के लगेगी। तो अब ये देखिए नंबर वन की पिन यहाँ से यहाँ गई, अब मैं आपको घूम के दिखाऊँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर यहाँ से यहाँ गई, वापस यहाँ आई, मतलब ये यहाँ से यहाँ करेक्ट है, कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ से यहाँ गई। अब यहाँ घूम के देखेंगे आपको, तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस का कनेक्शन भी घूम के आया है हमारा इधर। तो ये कनेक्शन हमारे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से यहाँ आया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा पूरा नेगेटिव में जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये पूरा नेगेटिव चला गया। तो इसमें तो ऑब्वियसली ये हमारी नेगेटिव की इनपुट है, मीन्स हमारा ऑडियो इनपुट जो है ये हमारा नेगेटिव का है। आपको इस डिटेल समझ में आ गई। अब रही बात पॉजिटिव की, नंबर टू मैंने आपको बताया था, ये देखिए नंबर टू हमारी इनपुट है पॉजिटिव की। अब आ गई नंबर टू की बात, अब ये देखिए ये नंबर टू यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे हमारा देखिए ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, अब ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा है, आप समझ रहे हो, इसका कहीं नहीं जा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस में हमारी पॉजिटिव की ऑडियो की इनपुट जाएगी, मीन्स यहाँ हम इनपुट देंगे और यहाँ हमारे ये हमारी नेगेटिव साउंड की, यहाँ दे दो या यहाँ दे दो या यहाँ दे दो, डायरेक्ट नेगेटिव आप आईसी में भी जोड़ दो चलेगा, लेकिन पॉजिटिव की आप डायरेक्ट आईसी में ना जोड़े, इस रेजिस्टेंस में ही जोड़े, इस रेजिस्टेंस की टांग में ही जोड़े। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ऑडियो इनपुट पॉजिटिव की दे रहे हो तो रेजिस्टेंस की टांग में ही जोड़ें, ये नहीं कि आप, मैं बता रहा हूँ कि ये तो कनेक्शन यहाँ पर जुड़ रहा है कि ये तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, डायरेक्ट हम आईसी में ही जोड़ देते, जी नहीं, आप आईसी में ना जोड़े, इस रेजिस्टेंस की टांग में ही जोड़े, ठीक है। अब आपको पावर सप्लाई समझ में आ गई, इनपुट समझ में आएगी, अब बचा के आपका आउटपुट, आउटपुट भी आपको बताऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि नेगेटिव की कोई कौन सी टांग है, पॉजिटिव की कौन सी टांग है। 9 नंबर की टांग हमारी हो गई आउटपुट की नेगेटिव, और हमारी 13 नंबर की टांग हो गई आउटपुट की पॉजिटिव, 9 एंड 13। देखिए अब हमारे 9 एंड 13 कहाँ गया, अब आप काउंट करिए, देखिए अब इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 हो गई। तो मैंने आपके 9 की आउटपुट क्या बताई थी, नेगेटिव। तो ये देखिए इस टांग से मैं बोल दिखा दूँ, ये जूम कर दूँ थोड़ा, देखो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे एक आपका कैपेसिटर लगा होगा, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से यहाँ कनेक्शन आ गई, देखिए यहाँ पे खाली दे रखा है, यहाँ पे हम स्पीकर की आउटपुट जोड़ेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ गई, यहाँ पे घुमा के दिखा दूँ तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से यहाँ ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ करंट रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ गया, एंड ये देखिए रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आया, तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो इस साइड पलट के देखेंगे तो यहाँ पे एक आपका पीएफ लगा हुआ है, ये देखिए पीएफ के थ्रू अब इसमें एक करंट यहाँ से यहाँ गया है, और ये देखिए आपकी ये घूम के ये ओवरऑल आपकी ग्राउंड में ही चला गया है, देखा आपको ये पूरा ग्राउंड है। तो ये हमारी नेगेटिव हो गई, और रही बात पॉजिटिव की, मैंने आपको बताई थी, ये देखिए पॉजिटिव की 13 नंबर की पिन हमारी आउटपुट पॉजिटिव है। अब ये देखिए 13 नंबर की पिन हमारी हो गई
पॉजिटिव की आउटपुट। अब ये देखिए पॉजिटिव क्यों है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि नेगेटिव का तो मैंने आपको दिखा दिया, नेगेटिव का पॉजिटिव के बारे में देखिए। यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ पे एक आपका कैपेसिटर लगा होगा, ये देखिए ये लगा, ये कैपेसिटर के थ्रू आपका यहाँ से यहाँ आई है, और फिर यहाँ से हम वैसे यहाँ कनेक्शन यहाँ जोड़ेंगे पॉजिटिव के, आपको वैसे दिखा दूँ, ये देखिए पलट के देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ गए हैं, है ना, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए हैं, तो यहाँ से यहाँ, तो एक तरीके से ये हमारा 14 नंबर पिन जो है हमारी पॉजिटिव में ही घूम रही है, नेगेटिव में कहीं जुड़ रही है, तो ये हमारी पॉजिटिव हो गया। तो अब आपको कनेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा, चॉइस साइज के बारे में कनेक्शन कैसे करने हैं। तो चलिए मैं आपको 7805 के बारे में चलो बता देता हूँ। तो ये आईसी हमारी इसी तरह से मैंने बताया था कि पहली टांग में हमारी इनपुट होती है, बीच की ग्राउंड हो गई है, और लास्ट की हमारी आउटपुट 5 वोल्ट की होती है। तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये आईसी हमें ऐसे लगनी है या फिर ये ऐसे घूम के लगनी है, कैसे लगनी है। तो पहली बात तो ये आप ये देखिए कि इसकी आउटपुट कौन सी है, आउटपुट तो ये वाली है ना। तो अब आप यहाँ पे डिफाइन करिए कि यहाँ पे आउटपुट कौन सी है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए बीच की जो हमारी ये है, ये तो हमारी हो गई 7805 की ग्राउंड, तो हमारी पूरे ग्राउंड में जा रही है। ओके, अब ये हमारी मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा ये वाली, तो अब देखिए पॉजिटिव की पिन हमारी यहाँ जा रही है, तो ये 7805 की होगी पहली आईसी। अब ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट खाली है, कहीं नहीं जा रहा है, तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे 5 वोल्ट का, जिसको हम इस ऑडियो कार्ड में कनेक्शन देंगे। तो हमारी ये आईसी कुछ इस तरह से लगेगी, ये देखिए। तो हमारी जो सबसे इधर लास्ट वाली पिन है, ये वाली पिन, ये मैंने आपको आउटपुट बताई थी, तो ये हमारी देखिए यहाँ से आउटपुट हो गई। ओके, बीच की ग्राउंड एक, और ये हमारी 2440 है, 2440 को हम अपना हीट सिंक से कस लेंगे। तो हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसके 2440 के ऐसी एक डुप्लीकेट भी आती है, और ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल डुप्लीकेट की पहचान कैसे करनी है, आप सिंपली आप मैग्नेट लीजिए, अगर ये देखिए चिपकाने की कोशिश करिए, इसमें नहीं चिपकेगी, ये नहीं चिपकेगी, क्योंकि इसके अंदर कॉपर वाइंडिंग है। एक डुप्लीकेट आती है उसमें आयरन की वाइंडिंग होती है, वो चिपक जाती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, 5-6 रुपये का फ़र्क होता है। ये देखिए ये भी सिल्वर है, ये भी नहीं चिपकेगा, लेकिन जो इसकी फ्रंट की आई सी ये मेटल है, ये देखिए ये चिपक गई, ये देखिए ये हमारी फ्रंट में लगेगी हीट सिंक की, और ये हमारे बैक में मेन पैनल यहाँ लगेगा, सिलिकॉन कंपाउंड की मदद से इसको लगा लेंगे। तो चलिए, तो अब मैं इसको कनेक्शन करता हूँ, जोड़ता हूँ। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने इसे फुल डिटेल में बात करी है। सिलिकॉन कंपाउंड लगा लेंगे, तो चलिए अब इसको सोल्ड करके हम इसकी साउंड टेस्ट करते हैं। इस पोटेंशियोमीटर की राइट साइड की दो टांगों को आपस में शॉर्ट कर लेंगे, जो कि हमारा ग्राउंड होएगी। इनपुट के कनेक्शन हो गए हैं, जो कि हमारे ऑडियो कार्ड में लगेंगे, और ये अब हम आउटपुट ले लेते हैं पोटेंशियोमीटर से, जो कि हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में लगेंगे, आगे पीछे के लेंगे लेफ्ट राइट चैनल का, और ब्लैक वाला ग्राउंड में लगाएंगे। ये देखिए पोटेंशियोमीटर की तारें और वायरिंग हो गई है, ये देखिए राइट साइड की दोनों टांग आपस में शॉर्ट करके जो ग्राउंड होगी, ये बीच की दो टांग हमारी एम्पलीफायर में जाएगी, और ये हमारी ऑडियो कार्ड की, ये देखिए ये ऑडियो कार्ड से कनेक्ट करेंगे। अच्छा भाई, चलिए इस आईसी को हम बोर्ड में लगा के सोल्ड कर लेंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे उठा के, एक अच्छे से सोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ।
अब 78.05 रेगुलेटर को सोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैं इसमें 12.0 का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ जो कि 3 एम्पियर का है। इस बोर्ड में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ 2200 UF के साथ 25 वोल्ट का, और इसमें एक डायोड लगा हुआ है देखिए, जो कि आपको पता है एक डायोड में फुल रेक्टिफायर नहीं होती है डीसी करंट, तो इसलिए मैं ये देखिए चार चार डायोड में 4700 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मेरे हाथ का बना हुआ है, तो जब तक चार डायोड नहीं होता तब तक फुल रेक्टिफायर नहीं होता डीसी करंट। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा अगर आप 4440 IC का बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें 4700 UF का कैपेसिटर ही लगाएं, ताकि उससे आवाज़ अच्छी आती है और आवाज़ फटती भी नहीं है। ये प्लस माइनस देखिए हम पावर सप्लाई को सोल्ड कर लेंगे। अब हम पोटेंशियोमीटर के तारों को कनेक्ट कर लेंगे, ये तार जो हमने कनेक्ट की थी, ये लेफ्ट राइट चैनल को हम आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ के एक मोनो कर देंगे जो कि हमारा मोनो बोर्ड है, और ब्लैक वाइट तार हम ग्राउंड में जोड़ेंगे, तारों को सोल्ड कर लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव देख के। पोटेंशियोमीटर में वॉल्यूम की नॉब जोड़ लेंगे, ये 5 वोल्ट की ऑडियो कार्ड की पावर की वायर हम 78.05 के रेगुलेटर से जो कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था बीच वाली तार ग्राउंड की है और राइट वाली टांग हमारी आउटपुट 5 वोल्ट की है। अब हम स्पीकर वायर कनेक्ट कर लेंगे एम्पलीफायर बोर्ड से, ये येलो वायर पॉजिटिव की है तो हम पॉजिटिव में सोल्ड कर लेंगे। और ये ग्रीन वायर नेगेटिव किया था, हम इसको नेगेटिव वाले में सोल्ड कर लेंगे। तो अब हमारे बोर्ड के कनेक्शन हो गए हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारी ये इनपुट है, ऑडियो इनपुट है, ये स्पीकर आउटपुट है हमारी स्पीकर की है, और ये हमारी पावर की है, और ये हमारी 5 वोल्ट रेगुलेटर की जो हमारे ऑडियो कार्ड में जुड़ेगी। तो ऑडियो कार्ड के वायर भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, ऑडियो को चालू करते हैं, और ये पोटेंशियोमीटर की तार भी हम ऑडियो से ऑडियो कार्ड में हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम इसको पावर सप्लाई देके चालू करते हैं और इसकी साउंड टेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा इनपुट है, ये देखिए ये हमारा इनपुट वायर है, तो अब हम सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए सॉन्ग प्ले करके साउंड क्वालिटी देखते हैं, मैं इसमें NCS का सॉन्ग बजाने जा रहा हूँ। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी मोर अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर फॉर मोर टेक अपडेट।